वीरूमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरूमन एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सप्ताह के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गांव का अहंकारी व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं जो मुनियांदी को नापसंद है। धनम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी उसे इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है उसके कारण मुथुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरूमन है। क्रोधित होकर वीरूमन अपने पिता का अरुआ के साथ दबा सात दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को ना मानने की सलाह दी तो वीरूमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरूमन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबंधता हमेशा बढ़ती रहती है जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरूमन के भाई सेल्वन मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरूमन अपने भाइयों की किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोची थेनू जो सेल्वन की भाभी है मुनियांदी की प्रशंसा करती है क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरूमन से नफरत करती है। हालांकि वीरूमन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सलमान को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरूमन उसे विधायक पथिनेट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरूमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है, लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। तेनू को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गांव सेल्वम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरूमन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सेल्वन सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है जो वीरूमन से लड़ना चाहता है, लेकिन थेनू वीरूमन को चूम लेता है जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रेस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरूमन से पूछने का सुझाव देती है जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनियांदी को पता चलता है कि वह गांव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरूमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापाना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरूमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरूमन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरूमन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांदी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटे और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरूमन और थेनू अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पथिनेट्टा पांडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरूमन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था और उसने कहा नहीं।
वीरमन का एक योजना के साथ आता है जो इलांगो को वीरमन को थप्पड़ मार। वीरमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरमन एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सप्ताह के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गांव का अहंकारी व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं जो मुनियांदी को नापसंद है। धनम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी उसे इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है उसके कारण मुथुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरमन है। क्रोधित होकर वीरमन अपने पिता का अरुआ के साथ दबा सात दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को ना मानने की सलाह दी तो वीरमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरमन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबंधता हमेशा बढ़ती रहती है जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरमन के भाई सेल्वन मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरमन अपने भाइयों की किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोछी थेनू जो सेल्वन की भाभी है मुनियांदी की प्रशंसा करती है क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरमन से नफरत करती है। हालांकि वीरमन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सलमान को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरमन उसे विधायक पथिनिट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है, लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। तेनू को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गांव सेल्वम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरमन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सेल्वन सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है जो वीरमन से लड़ना चाहता है, लेकिन थेनू वीरमन को चूम लेता है जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रेस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरमन से पूछने का सुझाव देती है जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनियांदी को पता चलता है कि वह गांव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापाना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरमन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरमन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांदी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटे और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरमन और थेनू अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पति ने टमान पंडियन की बेटी
निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। बीरबल ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था, और उसने कहा नहीं। बीरबल का एक योजना के साथ आता है जो इलांगो को बीरबल को थप्पड़ मार। वीरूमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरूमन एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सप्ताह के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गाँव का अहंकारी व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं जो मुनियांदी को नापसंद है। धनम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी उसे इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है उसके कारण मधुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरूमन है। क्रोधित होकर वीरूमन अपने पिता का अरुआ के साथ दबा सात दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को ना मानने की सलाह दी तो वीरूमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरूमन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबद्धता हमेशा बढ़ती रहती है जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरूमन के भाई सेल्वन मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरूमन अपने भाइयों की किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोछी थेनू जो सेल्वन की भाभी है मुनियांदी की प्रशंसा करती है क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरूमन से नफरत करती है। हालांकि वीरूमन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सलमान को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरूमन उसे विधायक पथिनिट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरूमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है, लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। तेनू को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गांव सेल्वम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरूमन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सेल्वन सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है जो वीरूमन से लड़ना चाहता है, लेकिन थेनू वीरूमन को चूम लेता है जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रेस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरूमन से पूछने का सुझाव देती है जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनियांदी को पता चलता है कि वह गांव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरूमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापाना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरूमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरूमन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरूमन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांदी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटे और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरूमन और थेनू अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई।
उसकी प्रेमिका से हुई। वह पति ने तमाम पंडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। बीरबल ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था, और उसने कहा नहीं। वीरमन का एक योजना के साथ आता है जो इलांगो को वीरमन को थप्पड़ मार। वीरमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरमन एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सफल के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गांव का अहंकारी व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं जो मुनियांदी को नापसंद है। धनम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी उसे इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है उसके कारण मधुलक्ष्मी ने खुद को जला कर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरूमन है। क्रोधित होकर वीरूमन अपने पिता का अरुआ के साथ दबा सात दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को ना मानने की सलाह दी तो वीरूमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरूमन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबद्धता हमेशा बढ़ती रहती है जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरमन के भाई सिल्वन मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरमन अपने भाइयों की किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोची थेनू जो सिल्वन की भाभी है मुनियांदी की प्रशंसा करती है क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरमन से नफरत करती है। हालांकि वीरमन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सलमान को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरमन उसे विधायक पथिनिट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है, लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। तेनू को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गांव सलवम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरमन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सिल्वन सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है जो वीरमन से लड़ना चाहता है, लेकिन थेनू वीरमन को चूम लेता है जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रेस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरमन से पूछने का सुझाव देती है जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनियांदी को पता चलता है कि वह गांव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापाना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरमन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरमन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांदी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटी और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरमन और थेनू अपनी डेट पर थे
तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पदिनेटमन पंडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरमन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था, और उसने कहा नहीं। वीरमन का एक योजना के साथ आता है जो इलांगो को वीरमन को थप्पड़ मार। वीरमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरमन 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सप्ताह के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गाँव का अहंकारी व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं जो मुनियांदी को नापसंद है। धनम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मारने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है, उसके कारण मधुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरूमन है। क्रोधित होकर वीरूमन अपने पिता का अरुआ के साथ दबा सात दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को ना मानने की सलाह दी तो वीरूमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरमन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबद्धता हमेशा बढ़ती रहती है जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरमन के भाई सिल्वन मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरमन अपने भाइयों की किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोछी थेनू जो सिल्वन की भाभी है मुनियांदी की प्रशंसा करती है क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरमन से नफरत करती है। हालांकि वीरमन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सलमान को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरमन उसे विधायक पथिनेट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है, लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। तेनू को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गाँव सलवम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरमन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सिल्वन सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है जो वीरमन से लड़ना चाहता है, लेकिन थेनू वीरमन को चूम लेता है जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रेस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरमन से पूछने का सुझाव देती है जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनियांदी को पता चलता है कि वह गांव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापाना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरमन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरमन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांदी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं।
क्रोधित होकर सुनापना ने बेटे और पिता को मारने की कसम खाई। जब इरमान और थेनू अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पति टमान पंडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरमन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था, और उसने कहा नहीं। वीरमन का एक योजना के साथ आता है जो इलांगो को वीरमन को थप्पड़ मार। वीरमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरमन 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सफल के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गाँव का अहंकारी व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं जो मुनियांदी को नापसंद है। धनम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मारने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है उसके कारण मधुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरूमन है। क्रोधित होकर वीरूमन अपने पिता का अरुआ के साथ दबा सात दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को ना मारने की सलाह दी तो वीरूमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरमन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबंधता हमेशा बढ़ती रहती है जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरमन के भाई सिल्वन मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरमन अपने भाइयों की किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोछी थेनू जो सिल्वन की भाभी है मुनियांदी की प्रशंसा करती है क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरमन से नफरत करती है। हालांकि वीरमन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सलमान को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरमन उसे विधायक पथिनिट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है, लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। थेनू को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गाँव सलवम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरमन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सिल्वन सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है जो वीरमन से लड़ना चाहता है, लेकिन थेनू वीरमन को चूम लेता है जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रेस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरमन से पूछने का सुझाव देती है जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनियांदी को पता चलता है कि वह गांव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापाना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरमन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरमन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांदी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियाँ ताला है
साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटी और पिता को मारने की कसम खाई। जब विरुमन और थेनू अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पति ने टमान पंडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। विरुमन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था, और उसने कहा नहीं। विरुमन का एक योजना के साथ आता है जो इलांगो को विरुमन को थप्पड़ मार। विरुमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विरुमन 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सफल के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गाँव का अहंकारी व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं जो मुनियांदी को नापसंद है। धनम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मारने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी उसे इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है उसके कारण मुथुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा विरुमन है। क्रोधित होकर विरुमन अपने पिता का अरुआ के साथ दबा सात दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को ना मारने की सलाह दी तो विरुमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद विरुमन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबंधता हमेशा बढ़ती रहती है जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से विरुमन के भाई सेल्वन मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण विरुमन अपने भाइयों की किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोची थेनू जो सेल्वन की भाभी है मुनियांदी की प्रशंसा करती है क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और विरुमन से नफरत करती है। हालांकि विरुमन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सलमान को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है जिसे वह अस्वीकार कर देता है। विरुमन उसे विधायक पथिनिट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर विरुमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है, लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। थेनू को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गाँव सेल्वम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। विरुमन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सेल्वन सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है जो विरुमन से लड़ना चाहता है, लेकिन थेनू विरुमन को चूम लेता है जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रेस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी विरुमन से पूछने का सुझाव देती है जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनियांदी को पता चलता है कि वह गांव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो विरुमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापाना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और विरुमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी विरुमन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। विरुमन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांदी
मुनियांडी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला है साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटी और पिता को मारने की कसम खाई। जब इरमैन और थेनू अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पति ने टमान पंडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरमन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था और उसने कहा नहीं। वीरमन का एक योजना के साथ आता है जो इलांगो को वीरमन को थप्पड़ मार। वीरमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरमन 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सफल के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गाँव का अहंकारी व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं जो मुनियांदी को नापसंद है। धनम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मारने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है उसके कारण मधुलक्ष्मी ने खुद को जला कर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरूमन है। क्रोधित होकर वीरूमन अपने पिता का अरुआ के साथ दबा सात दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को ना मारने की सलाह दी तो वीरूमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरूमन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबद्धता हमेशा बढ़ती रहती है जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरूमन के भाई सेल्वन मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरूमन अपने भाइयों की किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोछी थेनू जो सेल्वन की भाभी है मुनियांदी की प्रशंसा करती है क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरूमन से नफरत करती है। हालांकि वीरूमन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सलमान को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरूमन उसे विधायक पथिनिट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरूमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है, लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। थेनू को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गांव सेल्वम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरमन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सेल्वन सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है जो वीरमन से लड़ना चाहता है, लेकिन थेनू वीरमन को चूम लेता है जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रेस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरमन से पूछने का सुझाव देती है जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनियांदी को पता चलता है कि वह गांव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापाना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरमन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरमन सुनापना
सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांडी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटी और पिता को मारने की कसम खाई। जब इरमन और थेनू अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पति ने टमान पंडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरमन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था, और उसने कहा नहीं। वीरमन का एक योजना के साथ आता है जो इलांगो को वीरमन को थप्पड़ मार। वीरमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरमन एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सफल के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गाँव का अहंकारी व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं जो मुनियांदी को नापसंद है। धनम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी उसे इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है, उसके कारण मधुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरूमन है। क्रोधित होकर वीरूमन अपने पिता का अरुआ के साथ दबा सात दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को ना मानने की सलाह दी तो वीरूमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरूमन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबद्धता हमेशा बढ़ती रहती है, जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरूमन के भाई सिल्वन मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरूमन अपने भाइयों की किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है, क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोची थेनू, जो सिल्वन की भाभी है, मुनियांदी की प्रशंसा करती है क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरूमन से नफरत करती है। हालांकि वीरूमन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सलमान को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है, जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरूमन उसे विधायक पथिनिट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है, जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरूमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है, लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। थेनू को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया, जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गांव सलवम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरमन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे, क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सिल्वन सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है, जो वीरमन से लड़ना चाहता है, लेकिन थेनू वीरमन को चूम लेता है, जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रेस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे, जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरमन से पूछने का सुझाव देती है, जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनियांदी को पता चलता है कि वह गांव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था, मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापाना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना
अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरबन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरबन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांडी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटी और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरबन और थेनू अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पति ने टमान पंडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरबन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था और उसने कहा नहीं। वीरबन का एक योजना के साथ आता है जो इलांगो को वीरबन को थप्पड़ मार। वीरबन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरबन एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सफल के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गाँव का अहंकारी व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं जो मुनियांदी को नापसंद है। धनम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी उसे इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है उसके कारण मधुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरुमन है। क्रोधित होकर वीरुमन अपने पिता का अरुआ के साथ दबा साथ दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को न मानने की सलाह दी तो वीरुमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरबन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबंधता हमेशा बढ़ती रहती है जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरबन के भाई सिल्वन मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरबन अपने भाइयों की किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोछी थेनू जो सिल्वन की भाभी है मुनियांदी की प्रशंसा करती है क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरबन से नफरत करती है। हालांकि वीरबन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सलमान को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरबन उसे विधायक पथिनिट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरबन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। थेनू को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गाँव सलवम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरबन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सिल्वन सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है जो वीरबन से लड़ना चाहता है लेकिन थेनू वीरबन को चूम लेता है जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रेस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरबन से पूछने का सुझाव देती है जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनियांदी को पता चलता है कि वह गांव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरबन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापाना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरबन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई।
सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरबन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरबन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांडी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटी और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरबन और थेनू अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पति ने टमान पंडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरबन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था और उसने कहा नहीं। वीरबन का एक योजना के साथ आता है जो इलांगो को वीरबन को थप्पड़ मार। वीरबन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरबन एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सफल के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गाँव का अहंकारी व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं जो मुनियांदी को नापसंद है। धनम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी उसे इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है उसके कारण मुथुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरुमन है। क्रोधित होकर वीरुमन अपने पिता का अरुआ के साथ दबा साध दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को न मानने की सलाह दी तो वीरुमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरबन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबद्धता हमेशा बढ़ती रहती है जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरबन के भाई सिल्वन मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरबन अपने भाइयों की किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोछी थेनू जो सिल्वन की भाभी है मुनियांदी की प्रशंसा करती है क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरबन से नफरत करती है। हालांकि वीरबन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सलमान को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरबन उसे विधायक पथिनिट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरबन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। थेनू को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गाँव सलवम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरबन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सिल्वन सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है जो वीरबन से लड़ना चाहता है लेकिन थेनू वीरबन को चूम लेता है जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रेस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरबन से पूछने का सुझाव देती है जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनियांदी को पता चलता है कि वह गांव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरबन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापाना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को
उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरमन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरमन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांडी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटे और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरमन और थेनू अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पदिनेटमन पिंडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरमन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था, और उसने कहा नहीं। वीरमन का एक योजना के साथ आता है जो इलांगो को वीरमन को थप्पड़ मार। वीरमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरमन एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सफल के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गाँव का अहंकारी व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं जो मुनियांदी को नापसंद है। धनम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी उसे इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है, उसके कारण मधुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरमन है। क्रोधित होकर वीरमन अपने पिता का अरुआ के साथ दबा सात दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को ना मानने की सलाह दी तो वीरमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरमन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबद्धता हमेशा बढ़ती रहती है, जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरमन के भाई सिल्वन मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरमन अपने भाइयों की किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है, क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोची थेनू, जो सिल्वन की भाभी है, मुनियांदी की प्रशंसा करती है क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरमन से नफरत करती है। हालांकि वीरमन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सलमान को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है, जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरमन उसे विधायक पथिनेट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है, जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है, लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। थेनू को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया, जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गांव सलवम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरमन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे, क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सिल्वन सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है, जो वीरमन से लड़ना चाहता है, लेकिन थेनू वीरमन को चूम लेता है, जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रेस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे, जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरमन से पूछने का सुझाव देती है, जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनियांदी को पता चलता है कि वह गांव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था, मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापना
को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरमन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरमन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांडी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटे और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरमन और थेनू अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पदिनेटमन पिंडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरमन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था और उसने कहा नहीं। वीरमन का एक योजना के साथ आता है जो इलांगो को वीरमन को थप्पड़ मार। वीरमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरमन एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सफल के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गाँव का अहंकारी व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं जो मुनियांदी को नापसंद है। धनम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी उसे इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है उसके कारण मुथुलक्ष्मी ने खुद को जला कर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरमन है। क्रोधित होकर वीरमन अपने पिता का अरुआ के साथ दबा सात दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को ना मानने की सलाह दी तो वीरमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरमन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबद्धता हमेशा बढ़ती रहती है जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरमन के भाई सिल्वन मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरमन अपने भाइयों की किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोची थेनू जो सिल्वन की भाभी है मुनियांदी की प्रशंसा करती है क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरमन से नफरत करती है। हालांकि वीरमन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सलमान को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरमन उसे विधायक पथिनेट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है, लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। थेनू को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गाँव सलवम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरमन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सिल्वन सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है जो वीरमन से लड़ना चाहता है, लेकिन थेनू वीरमन को चूम लेता है जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रेस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरमन से पूछने का सुझाव देती है जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनियांदी को पता चलता है कि वह गांव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था मुथुकुट्टी को
नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरमन उन्हें बंद कर देता है। मधुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मधुकुट्टी वीरमन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरमन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांडी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटे और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरमन और थेनू अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पदिनेटमन पिंडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरमन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था और उसने कहा नहीं। वीरमन का एक योजना के साथ आता है जो इलांगो को वीरमन को थप्पड़ मार। वीरमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरमन एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफी के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सफल के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गाँव का अहंकारी व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं जो मुनियांदी को नापसंद है। धनम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी उसे इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है उसके कारण मधुलक्ष्मी ने खुद को जला कर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरमन है। क्रोधित होकर वीरमन अपने पिता का अरुआ के साथ दबा सात दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को न मानने की सलाह दी तो वीरमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरमन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबद्धता हमेशा बढ़ती रहती है जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरमन के भाई सिल्वन मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरमन अपने भाइयों की किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोछी थेनू जो सिल्वन की भाभी है मुनियांदी की प्रशंसा करती है क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरमन से नफरत करती है। हालांकि वीरमन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सलमान को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरमन उसे विधायक पथिनिट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है, लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। थेनू को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गाँव सलवम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरमन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सिल्वन सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है जो वीरमन से लड़ना चाहता है, लेकिन थेनू वीरमन को चूम लेता है जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रेस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरमन से पूछने का सुझाव देती है जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनियांदी को पता चलता है कि वह गांव के दुष्ट सुनापना
सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापाना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरमन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरमन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांडी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटे और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरमन और थेनू अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पदिनेटम्मन पिंडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरमन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था और उसने कहा नहीं। वीरमन का एक योजना के साथ आता है जो इलांगो को वीरमन को थप्पड़ मार। वीरमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरमन 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफी के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सफल के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गाँव का अहंकारी व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं जो मुनियांदी को नापसंद है। धनम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी उसे इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है उसके कारण मुथुलक्ष्मी ने खुद को जला कर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरमन है। क्रोधित होकर वीरमन अपने पिता का अरुआ के साथ दबा सात दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को न मानने की सलाह दी तो वीरमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरमन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबद्धता हमेशा बढ़ती रहती है जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरमन के भाई सिल्वन मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरमन अपने भाइयों की किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोछी थेनू जो सिल्वन की भाभी है मुनियांदी की प्रशंसा करती है क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरमन से नफरत करती है। हालांकि वीरमन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सलमान को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरमन उसे विधायक पथिनिट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। तेनू को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गांव सलवम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरमन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सिल्वन सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है जो वीरमन से लड़ना चाहता है लेकिन थेनू वीरमन को चूम लेता है जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रेस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरमन से पूछने का सुझाव देती है जिसे वह अपने पहले
तो झिझकता है लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जमुनियांदी को पता चलता है कि वह गांव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरमन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरमन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांदी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटे और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरमन और थेनू अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पदिनेटमान पंडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरमन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था और उसने कहा नहीं। वीरमन का एक योजना के साथ आता है जो इलांगो को वीरमन को थप्पड़ मार। वीरमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरमन 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सफल के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गाँव का अहंकारी व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं जो मुनियांदी को नापसंद है। धानम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है उसके कारण मुथुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरमन है। क्रोधित होकर वीरमन अपने पिता का अरुआ के साथ दबा सात दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को न मानने की सलाह दी तो वीरमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरमन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबंधता हमेशा बढ़ती रहती है जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरमन के भाई सिल्वन मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरमन अपने भाइयों की किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोची थेनू जो सिल्वन की भाभी है मुनियांदी की प्रशंसा करती है क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरमन से नफरत करती है। हालांकि वीरमन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सलमान को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरमन उसे विधायक पथिनिट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। थेनू को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गाँव सलवम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरमन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सिल्वन सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है जो वीरमन से लड़ना चाहता है लेकिन थेनू वीरमन को चूम लेता है जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रेस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे
जिसे उसके पिता अस्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरवन से पूछने का सुझाव देती है, जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जमुनियांदी को पता चलता है कि वह गांव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरवन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरवन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरवन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरवन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांदी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटी और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरवन और थेनू अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पति ने टमान पंडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरवन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था और उसने कहा नहीं। वीरवन का एक योजना के साथ आता है जो इलांगो को वीरवन को थप्पड़ मार। वीरवन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरवन एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सफल के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गाँव का अहंकारी व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं जो मुनियांदी को नापसंद है। धानम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है उसके कारण मुथुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरुमन है। क्रोधित होकर वीरुमन अपने पिता का अरुआ के साथ दबा सात दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को न मानने की सलाह दी तो वीरुमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरवन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबंधता हमेशा बढ़ती रहती है जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरवन के भाई सिल्वन मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरवन अपने भाइयों की किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोची थेनू जो सिल्वन की भाभी है मुनियांदी की प्रशंसा करती है क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरवन से नफरत करती है। हालांकि वीरवन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सलमान को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरवन उसे विधायक पथिनिट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरवन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। थेनू को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गाँव सलवम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरवन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सिल्वन सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है जो वीरवन से लड़ना चाहता है लेकिन थेनू वीरवन को चूम लेता है जिससे हर कोई हैरान रह जाता है।
मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रेस्तरांत के नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे, जिसे उसके पिता अस्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरवन से पूछने का सुझाव देती है, जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जमुनियांदी को पता चलता है कि वह गांव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरवन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरवन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरवन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरवन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांदी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटे और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरवन और थेनू अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पति ने टमान पंडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरवन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था और उसने कहा नहीं। वीरवन का एक योजना के साथ आता है जो इलांगो को वीरवन को थप्पड़ मार। वीरवन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरवन एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफी के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सफल के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गाँव का अहंकारी व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं जो मुनियांदी को नापसंद है। धानम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी उसे इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है उसके कारण मुथुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरुमन है। क्रोधित होकर वीरुमन अपने पिता का अरुआ के साथ दबा साध दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को न मानने की सलाह दी तो वीरुमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरवन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबंधता हमेशा बढ़ती रहती है जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरवन के भाई सिल्वन मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरवन अपने भाइयों की किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोछी थेनू जो सिल्वन की भाभी है मुनियांदी की प्रशंसा करती है क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरवन से नफरत करती है। हालांकि वीरवन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सलमान को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरवन उसे विधायक पथिनिट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरवन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। तेनू को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गाँव सलवम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरवन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सिल्वन सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है जो वीरवन से लड़ना चाहता है लेकिन थेनू
वीरमन को चूम लेता है, जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रेस्तरांत के नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे, जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरमन से पूछने का सुझाव देती है, जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है, लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जमुनियांदी को पता चलता है कि वह गांव के दुष्ट सुनापाना से, जिसने उसे थप्पड़ मारा था, मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरमन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरमन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांदी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटे और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरमन और थेनू अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पति ने टमान पंडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरमन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था, और उसने कहा नहीं। वीरमन का एक योजना के साथ आता है जो इलांगो को वीरमन को थप्पड़ मार। वीरमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरमन 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सफल के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गाँव का अहंकारी व्यक्ति है, जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो मुनियांदी को नापसंद है। धानम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी उसे इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है, उसके कारण मुथुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरमन है। क्रोधित होकर वीरमन अपने पिता का अरुआ के साथ दबा सात दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को ना मानने की सलाह दी तो वीरमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरमन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबंधता हमेशा बढ़ती रहती है, जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरमन के भाई सिल्वन, मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरमन अपने भाइयों की किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है, क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोछी थेनू, जो सिल्वन की भाभी है, मुनियांदी की प्रशंसा करती है, क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरमन से नफरत करती है। हालांकि वीरमन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सलमान को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है, जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरमन उसे विधायक पथिनिट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है, जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है, लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। तेनू को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया, जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गाँव सलवम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरमन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे, क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सिल्वन सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है।
इसे मुनियादि क्रोधित हो जाता है जो वीरमन से लड़ना चाहता है, लेकिन थेनु वीरमन को चूम लेता है जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रिस्तरांत के नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे, जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरमन से पूछने का सुझाव देती है, जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जमुनियांदे को पता चलता है कि वह गांव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरमन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरमन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांदी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटे और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरमन और थेनु अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पति ने टमान पिंडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरमन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था और उसने कहा नहीं। वीरमन का एक योजना के साथ आता है जो इलांगो को वीरमन को थप्पड़ मार। वीरमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरमन 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफी के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सफल के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गाँव का अहंकारी व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं जो मुनियांदी को नापसंद है। धानम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी उसे इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है उसके कारण मुथुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरमन है। क्रोधित होकर वीरमन अपने पिता का अरुआ के साथ दबा सात दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को न मानने की सलाह दी तो वीरमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरमन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबंधता हमेशा बढ़ती रहती है जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरमन के भाई सिल्वन मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरमन अपने भाइयों की किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोची थेनु जो सिल्वन की भाभी है मुनियांदी की प्रशंसा करती है क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरमन से नफरत करती है। हालांकि वीरमन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सलमान को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरमन उसे विधायक पथिनिट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। थेनु को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गाँव सलवम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरमन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है।
सेलवन सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इससे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है जो वीरमन से लड़ना चाहता है, लेकिन थेनु वीरमन को चूम लेता है जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रिस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे, जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरमन से पूछने का सुझाव देती है, जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनियांदी को पता चलता है कि वह गांव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरमन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरमन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांदी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटे और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरमन और थेनु अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पति ने टमान पंडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरमन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था और उसने कहा नहीं। वीरमन का एक योजना के साथ आता है जो इलांगो को वीरमन को थप्पड़ मार। वीरमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरमन एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफी के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सप्ताह के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गाँव का अहंकारी व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं जो मुनियांदी को नापसंद है। धानम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है उसके कारण मुथुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरमन है। क्रोधित होकर वीरमन अपने पिता का अरुआ के साथ दबा साध दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को न मानने की सलाह दी तो वीरमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरमन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबंधता हमेशा बढ़ती रहती है जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरमन के भाई सेल्वन, मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरमन अपने भाइयों की किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोची थेनु जो सेल्वन की भाभी है मुनियांदी की प्रशंसा करती है क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरमन से नफरत करती है। हालांकि वीरमन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सलमान को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरमन उसे विधायक पथिनिट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है, लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। थेनु को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गाँव सेल्वम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरमन ने उससे कहा कि वह अपने
पिता पर सनिर्भर होना बंद कर दे क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सेलवन सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है जो वीरमन से लड़ना चाहता है, लेकिन थेनु वीरमन को चूम लेता है जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रिस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे, जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरमन से पूछने का सुझाव देती है, जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनियांदी को पता चलता है कि वह गांव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरमन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरमन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांदी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटे और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरमन और थेनु अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पति ने टमान पंडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरमन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था और उसने कहा नहीं। वीरमन का एक योजना के साथ आता है जो इलांगो को वीरमन को थप्पड़ मार। वीरमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरमन एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफी के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सफल के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गाँव का अहंकारी व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं जो मुनियांदी को नापसंद है। धानम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी उसे इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है उसके कारण मुथुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरमन है। क्रोधित होकर वीरमन अपने पिता का अरुआ के साथ दबा सात दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को न मानने की सलाह दी तो वीरमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरमन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबद्धता हमेशा बढ़ती रहती है जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरमन के भाई सेलवन, मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरमन अपने भाइयों की किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोची थेनु जो सेलवन की भाभी है मुनियांदी की प्रशंसा करती है क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरमन से नफरत करती है। हालांकि वीरमन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सलमान को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरमन उसे विधायक पथिनिट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है, लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। थेनु को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से
शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गांव सेल्वम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरमन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे, क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सेल्वम सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है, जो वीरमन से लड़ना चाहता है, लेकिन थेनु वीरमन को चूम लेता है, जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रिस्तरांत के नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे, जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरमन से पूछने का सुझाव देती है, जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है, लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनियांदी को पता चलता है कि वह गाँव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था, मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरमन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरमन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांदी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटे और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरमन और थेनु अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पति ने टमान पंडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरमन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था, और उसने कहा नहीं। वीरमन का एक योजना के साथ आता है, जो इलांगो को वीरमन को थप्पड़ वीरमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरमन एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफी के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सप्ताह के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गाँव का अहंकारी व्यक्ति है, जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो मुनियांदी को नापसंद है। धानम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी उसे इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है, उसके कारण मुथुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरमन है। क्रोधित होकर वीरमन अपने पिता का अरुआ के साथ दबा साध दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को न मानने की सलाह दी तो वीरमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरमन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबंधता हमेशा बढ़ती रहती है, जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरमन के भाई सेल्वन, मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरमन अपने भाइयों की किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है, क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोची थेनु, जो सेल्वन की भाभी है, मुनियांदी की प्रशंसा करती है, क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरमन से नफरत करती है। हालांकि वीरमन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सेल्वन को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है, जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरमन उसे विधायक पथिनिट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है, जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है, लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। थेनु को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है।
उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया, जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है। जबकि पूरा गांव सेल्वम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरमन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे, क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सेल्वम सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है, जो वीरमन से लड़ना चाहता है, लेकिन थेनु वीरमन को चूम लेता है, जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रिस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे, जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरमन से पूछने का सुझाव देती है, जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है, लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनियांदी को पता चलता है कि वह गाँव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था, मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरमन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरमन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांदी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटे और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरमन और थेनु अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पति ने टमान पिंडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरमन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था, और उसने कहा नहीं। वीरमन का एक योजना के साथ आता है, जो इलांगो को वीरमन को थप्पड़ वीरमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरमन एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफी के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफलता के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गांव का अहंकारी व्यक्ति है, जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो मुनियांदी को नापसंद है। धानम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है, उसके कारण मुथुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरमन है। क्रोधित होकर वीरमन अपने पिता का अरुआ के साथ दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को ना मानने की सलाह दी तो वीरमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरमन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबंधता हमेशा बढ़ती रहती है, जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरमन के भाई सेल्वन, मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरमन अपने भाइयों को किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है, क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोची थेनु, जो सेल्वन की भाभी है, मुनियांदी की प्रशंसा करती है, क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरमन से नफरत करती है। हालांकि वीरमन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सेल्वन को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है, जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरमन उसे विधायक पथिनिट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है, जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है, लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है।
तेनु को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया, जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गांव सेल्वम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरवन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे, क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सेल्वम सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है, जो वीरवन से लड़ना चाहता है, लेकिन थेनु वीरवन को चूम लेता है, जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रिस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे, जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरवन से पूछने का सुझाव देती है, जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है, लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनियांदी को पता चलता है कि वह गाँव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था, मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरवन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरवन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरवन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरवन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांदी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटे और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरवन और थेनु अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पति ने टमान पिंडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरवन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था, और उसने कहा नहीं। वीरवन का एक योजना के साथ आता है, जो इलांगो को वीरवन को थप्पड़ वीरूमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरूमन एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफी के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सप्ताह के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गांव का अहंकारी व्यक्ति है, जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो मुनियांदी को नापसंद है। धानम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है, उसके कारण मुथुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरूमन है। क्रोधित होकर वीरूमन अपने पिता का अरुआ के साथ दबा साथ दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को ना मानने की सलाह दी तो वीरवन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरवन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबद्धता हमेशा बढ़ती रहती है, जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरवन के भाई सेल्वन, मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरवन अपने भाइयों को किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है, क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोची थेनु, जो सेल्वन की भाभी है, मुनियांदी की प्रशंसा करती है, क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरवन से नफरत करती है। हालांकि वीरवन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सेल्वन को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है, जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरवन उसे विधायक पथिनिट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है, जो अपनी माँ की जमीन बेचने की
शर्त रखता है, जिस पर वीरमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है, लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। तेनु को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया, जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गांव सेल्वम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरमन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे, क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सेल्वम सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है, जो वीरमन से लड़ना चाहता है, लेकिन थेनु वीरमन को चूम लेता है, जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रिस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे, जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरमन से पूछने का सुझाव देती है, जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है, लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनियांदी को पता चलता है कि वह गाँव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था, मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरमन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरमन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांदी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटे और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरमन और थेनु अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पति ने टमान पंडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरमन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था, और उसने कहा नहीं। वीरमन का एक योजना के साथ आता है, जो इलांगो को वीरमन को थप्पड़ वीरमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरमन एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सप्ताह के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गांव का अहंकारी व्यक्ति है, जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो मुनियांदी को नापसंद है। धानम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी उसे इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है, उसके कारण मुथुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरमन है। क्रोधित होकर वीरमन अपने पिता का अरुआ के साथ दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को न मानने की सलाह दी तो वीरमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरमन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबंधता हमेशा बढ़ती रहती है, जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरमन के भाई सेल्वन, मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरमन अपने भाइयों को किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है, क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोची थेनु, जो सेल्वन की भाभी है, मुनियांदी की प्रशंसा करती है, क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरमन से नफरत करती है। हालांकि वीरमन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सेल्वन को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है, जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरमन उसे विधायक पथिनेट्टा पांडियम
की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है, जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है, लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। तेनू को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया, जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गांव सेल्वम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरमन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे, क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सेल्वम सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है, जो वीरमन से लड़ना चाहता है, लेकिन थेनू वीरमन को चूम लेता है, जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रिस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे, जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरमन से पूछने का सुझाव देती है, जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है, लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनियांदी को पता चलता है कि वह गाँव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था, मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरमन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरमन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांदी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटे और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरमन और थेनू अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पदिनेटमान पिंडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरमन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था, और उसने कहा नहीं। वीरमन का एक योजना के साथ आता है, जो इलांगो को वीरमन को थप्पड़ वीरमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरमन 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सफलता के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गांव का अहंकारी व्यक्ति है, जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो मुनियांदी को नापसंद है। धानम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है, उसके कारण मुथुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरमन है। क्रोधित होकर वीरमन अपने पिता का अरुआ के साथ दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को न मानने की सलाह दी तो वीरमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पंडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरमन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबद्धता हमेशा बढ़ती रहती है, जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरमन के भाई सेल्वन, मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरमन अपने भाइयों को किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है, क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोची थेनू, जो सेल्वन की भाभी है, मुनियांदी की प्रशंसा करती है, क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरमन से नफरत करती है। हालांकि वीरमन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनियांदी का बचाव करती है। इस बीच सेल्वन को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है, जिसे
वह अस्वीकार कर देता है। वीरमन उसे विधायक पथिनेट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है, जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है, लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। तेनु को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनियांदी ने पकड़ लिया, जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गांव सेल्वम और मुनियांदी के साथ जुड़ रहा है। वीरमन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे, क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सेल्वम सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनियांदी क्रोधित हो जाता है, जो वीरमन से लड़ना चाहता है, लेकिन थेनु वीरमन को चूम लेता है, जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रिस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे, जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरमन से पूछने का सुझाव देती है, जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है, लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनियांदी को पता चलता है कि वह गाँव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था, मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरमन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरमन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनियांदी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटे और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरमन और थेनु अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पथिनेट्टा पांडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरमन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था, और उसने कहा नहीं। वीरमन का एक योजना के साथ आता है, जो इलांगो को वीरमन को थप्पड़ वीरमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरमन एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सफलता के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनियांदी थेनी में के एक गांव का अहंकारी व्यक्ति है, जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो मुनियांदी को नापसंद है। धानम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनियांदी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनियांदी इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनियांदी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है, उसके कारण मुथुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरमन है। क्रोधित होकर वीरमन अपने पिता का अरुआ के साथ दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनियांदी को न मानने की सलाह दी तो वीरमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पांडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरमन और मुनियांदी के बीच तनाव और प्रतिबंधता हमेशा बढ़ती रहती है, जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरमन के भाई सेल्वन, मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरमन अपने भाइयों को किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है, क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोची थेनु, जो सेल्वन की भाभी है, मुनियांदी की प्रशंसा करती है, क्योंकि वह उसकी बहन का ससुर है और वीरमन से नफरत करती है। हालांकि वीरमन उससे प्यार करता है,
जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनि आंधी का बचाव करती है। इस बीच सलमान को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है, जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरमन उसे विधायक पथिनेट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है, जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है, लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। तेनू को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनि आंधी ने पकड़ लिया, जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गांव सलवम और मुनि आंधी के साथ जुड़ रहा है। वीरमन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे, क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सलवम सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनि आंधी क्रोधित हो जाता है, जो वीरमन से लड़ना चाहता है, लेकिन थेनू वीरमन को चूम लेता है, जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रेस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे, जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरमन से पूछने का सुझाव देती है, जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है, लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनि आंधी को पता चलता है कि वह गाँव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था, मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरमन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरमन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनि आंधी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटे और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरमन और थेनू अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पथिनेट्टा पांडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरमन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था, और उसने कहा नहीं। वीरमन का एक योजना के साथ आता है, जो इलांगो को वीरमन को थप्पड़ वीरमन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीरमन एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो मुथैया द्वारा लिखित और निर्देशित है। 2D एंटरटेनमेंट के तहत सूर्या द्वारा निर्मित इस फिल्म में कार्थी और नवोदित अभिनेत्री अदिति शंकर हैं। इवान शंकर राजा ने सलवा कुमार इसके की सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ संगीत तैयार किया। यह 12 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर वाइफ सप्ताह के रूप में उभरी। और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो मुनि आंधी थेनी में के एक गांव का अहंकारी व्यक्ति है, जो अपनी प्रतिष्ठा और पैसे की परवाह करता है। जो वह चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बहन धानम और बालू एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो मुनि आंधी को नापसंद है। धानम ने खुद को जहर दे दिया और उससे कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाएगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन मुनि आंधी उसे मानने के लिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी के साथ भी खराब व्यवहार करता है। मुथुलक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और मुनि आंधी इसे सहने के लिए कहती है। जिस तरह से मुनि आंधी उसके और उसके परिवार के साथ व्यवहार करती है, उसके कारण मुथुलक्ष्मी ने खुद को जलाकर मार डाला, जिसका गवाह उसका छोटा बेटा वीरमन है। क्रोधित होकर वीरमन अपने पिता का अरुआ के साथ दरबार में पीछा करता है। जब अदालत ने उसे मुनि आंधी को न मानने की सलाह दी तो वीरमन ने बताया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है और चाहता है कि उसका पालन पोषण उसके चाचा निरई पांडियन और बालू करें। वर्षों बाद वीरमन और मुनि आंधी के बीच तनाव और प्रतिबद्धता हमेशा बढ़ती रहती है, जो अन्य लोगों को परेशान करती है। विशेष रूप से वीरमन के भाई सलवन, मुथुकुट्टी और इलांगो सम्मान के कारण वीरमन अपने भाइयों को किसी भी आलोचना और अपमान को स्वीकार करता है, क्योंकि वह उनका सम्मान करता है। इस बीच थेनमोची थेनू, जो सिल्वन की भाभी है, मुनि आंधी की प्रशंसा करती है, क्योंकि वह उसकी बहन
का ससुर है और वीरमन से नफरत करती है। हालांकि वीरमन उससे प्यार करता है। जब परिवार में झगड़ा होता है तो वह सार्वजनिक रूप से मुनि आंधी का बचाव करती है। इस बीच सलमान को नौकरी की जरूरत है और वह अपने पिता की मदद करता है, जिसे वह अस्वीकार कर देता है। वीरमन उसे विधायक पथिनेट्टा पांडियम की मदद से नौकरी पाने में मदद करता है, जो अपनी माँ की जमीन बेचने की शर्त रखता है, जिस पर वीरमन ने वर्षों तक हस्ताक्षर करने से हमेशा इनकार किया है, लेकिन अंततः अपने भाइयों की खातिर ऐसा करता है। तेनु को इसका एहसास होता है कि वह अपनी भावनाओं का प्रतिकार करना शुरू कर देता है। उनके रिश्ते को मुनि आंधी ने पकड़ लिया, जो उसका अपमान करना शुरू कर देता है और उसे अपनी बहन की शादी से शेष दहेज का भुगतान करने के लिए कहता है, जबकि पूरा गांव सलवम और मुनि आंधी के साथ जुड़ रहा है। वीरमन ने उससे कहा कि वह अपने पिता पर स्वनिर्भर होना बंद कर दे, क्योंकि उसे अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना है। सलवन सहमत हो जाता है और अपने पिता से स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला करता है। इसे मुनि आंधी क्रोधित हो जाता है, जो वीरमन से लड़ना चाहता है, लेकिन थेनु वीरमन को चूम लेता है, जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। मुथुकुट्टी चाहता है कि उसके पिता रिस्तरांत की नीलामी के लिए हस्ताक्षर करे, जिसे उसके पिता स्वीकार कर देते हैं। उसकी पत्नी वीरमन से पूछने का सुझाव देती है, जिसे वह अपने पहले तो झिझकता है, लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है। जब मुनि आंधी को पता चलता है कि वह गांव के दुष्ट सुनापाना से जिसने उसे थप्पड़ मारा था, मुथुकुट्टी को नीलामी हराने के लिए कहा। जब नीलामी होती है तो वीरमन को पता चलता है कि उसके पिता ने सुनापाना को काम पर रखा है और वह उसे फंसाने का फैसला करता है। वह अपने गिरोह को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और वीरमन उन्हें बंद कर देता है। मुथुकुट्टी को अंततः रेस्तरांत की नीलामी मिल गई। सुनापना और उसका गिरोह आता है और कर्मचारियों का अपमान करता है। जब सुनापना अपना हाथ उठाता है तो मुथुकुट्टी वीरमन द्वारा उसे रोक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरमन सुनापना और उसके गिरोह की पिटाई करता है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ता है। मुनि आंधी उन पर क्रोधित है और यह दिखाने के लिए साड़ियां ताला लाता है कि वे महिलाएं हैं। क्रोधित होकर सुनापना ने बेटे और पिता को मारने की कसम खाई। जब वीरमन और थेनु अपनी डेट पर थे तो उनकी मुलाकात इलांगो से उसकी प्रेमिका से हुई। वह पथिनेट्टा पांडियन की बेटी निकली और वे 4 साल से डेटिंग कर रहे थे। वीरमन ने उसे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को बताया था, और उसने कहा नहीं। वीरमन का एक योजना के साथ आता है, जो इलांगो को वीरमन को थप्पड़